हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे 2-3 लेक्चर्स हो चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। हमने सब शेल्स पढ़ा, शेल्स पढ़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे ऑर्बिटल्स में हम काउंट कर सकते हैं, क्वांटम नंबर्स हमने डिटेल में पढ़ा। अब फिर लास्ट लेक्चर हमारा क्या था, डी ब्रॉगली इक्वेशंस को डिराइव करना कि हाउ डी ब्रॉगली केम टू अ कंक्लूजन दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। कैसे डी ब्रॉगली ने आपका एनर्जी ऑफ लाइट वेव्स एंड एनर्जी ऑफ डिफरेंट लाइट को इक्वेट करके हमारे पास ये फॉर्मूला निकाला दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ये हम पहले भी पढ़ चुके थे, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, दैट इज आपका जो इलेक्ट्रॉन है इज एक्चुअली द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपका जो इलेक्ट्रॉन है इज अ पार्टिकल्स ऑल्सो एंड इट इज अ वेव ऑल्सो। तो आपका पार्टिकल और वेव है, तो हम इसे इसमें इसका मास और वेलोसिटी रखकर हम इसमें लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस वॉज डिराइव्ड बाय डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली ने हमें ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पार्टिकल बट इट एग्जिबिट द बोथ नेचर, दैट इज पार्टिकल ऑल्सो एंड वेव नेचर ऑल्सो। तो आज का हमारा टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास एक आइडिया तो आ चुका था कि इलेक्ट्रॉन आपका डुअल नेचर में एग्जिस्ट करता है, इट इज इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल ऑल्सो एंड अ वेव ऑल्सो। बट अब हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई का मतलब है वी शुड हैव अ एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन दैट इट इज अ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो एंड अ वेव ऑल्सो। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हमने कंडक्ट करे। पहला है हमारा पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्राइक कर रहे हो किसी स्प्लिट पे, इफ यू आर स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन बीम, इफ यू आर स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन बीम ऑन एनी स्क्रीन, स्क्रीन यूजुअली हम कौन सी लेते हैं, जिंक सल्फाइड की ZnF स्क्रीन होगी आपकी। अगर आप इलेक्ट्रॉन बीम्स को स्ट्राइक करोगे किसी स्क्रीन पे तो आपको सिर्फ वन स्पॉट, अ सिंगल स्पॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ऑब्जर्व्ड। इफ अ इलेक्ट्रॉन बीम इज स्ट्राइकिंग ऑन अ स्क्रीन ऑफ ZnF एंड यू आर ऑब्जर्विंग अ सिंगल स्पॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन इज ऑफ पार्टिकल नेचर। इसको हम बोलते हैं स्किंडिलेशन इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, स्किंडिलेशन इफेक्ट। व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम्स गिव्स अ सिंगल स्पॉट दैट डिटरमाइंस द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव नेचर को हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें बताया डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक्सपेरिमेंट बनाया। फिजिक्स में हम इसको और ज्यादा एक्सप्लेन बहुत ज्यादा एक्सप्लेन में पढ़ते हैं, जब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट मीन्स डिफ्रैक्शन ऑफ फोटॉन्स, जब हम उसकी स्टडी करते हैं दैट इज डिफ्रैक्शन। तो बेसिक इसमें क्या पढ़ते हैं हम, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ एनी वेव पार्टिकल, ऑफ एनी वेव पार्टिकल। जब हम डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं किसी वेव पार्टिकल के बारे में तो वही चीज हमने किसमें अप्लाई करी, इलेक्ट्रॉन्स में। डिफ्रेक्शन अगर हम इलेक्ट्रॉन बीम का कराएंगे, अगर ये आपका कोई भी इलेक्ट्रोड, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड आपका यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स बीम इजेक्ट करेगा और यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रेक्ट होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम अ स्लिट। एक छोटा सा हम नैरो ओपनिंग रखेंगे दैट इज नोन एज स्लिट। आपका स्लिट से आपका इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रेक्ट होगा और यहाँ पे आपका स्क्रीन लगा हुआ है, ये आपका डिफ्रैक्शन शो कर रहा है और डिफ्रैक्शन से आपको वेरियस यहाँ पे पैरामीटर्स मिल जाएंगे विच इज कंक्लूडिंग दैट इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ वेव पार्टिकल। आपने जब डिफ्रैक्शन पढ़ा होगा यंग्स मॉड्यूल्स, यंग्स मॉड्यूल्स में फिजिक्स में, तो आप वहाँ पर भी सेम चीज़ हम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट रखते हैं सेम तरीके से, और वहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रॉन बीम जाता है और वो हमें कन्फर्म बताता है कि the patterns of these waves is actually the wave nature of electron. ये क्या है आपका wave nature of electron है। और दूसरी चीज X-rays जो है आपका, X-rays क्या है, are actually the electrons. तो X-rays भी आपका wave nature show करता है और आपका जब X-rays का wave nature है तो फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ वेव नेचर पार्टिकल। ये भी आपका मैटर वेव्स की तरह से
दीज आर एक्चुअली द मैटर वेव. ठीक है, तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हमने पार्टिकल नेचर भी वेरीफाई कर लिया और वेव नेचर भी वेरीफाई कर लिया. दैट इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ बोथ पार्टिकल ऑल्सो एंड वेव. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ बोर्स ऑर्बिट, बोर्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन. हमें क्या निकालना है, एक तो बोर पोस्टुलेट को हमें अप्लाई करना है एंगुलर मोमेंटम में, और कौन सी इक्वेशन से हमें डिराइव करना है, डी ब्रॉगली इक्वेशन से. एंगुलर मोमेंटम आपका क्या होता है, आपने पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं एल से. तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मोमेंटम इन टू रेडियस. ये आपने पढ़ा होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मोमेंटम से और आपका रेडियस से. आपका आपने ये वेक्टर्स में पढ़ा होगा कि एंगुलर मोमेंटम, अगर हमें कोई भी रोटेशनल हमें कोई पैरामीटर निकालना होता है तो हम उसका रेडियस से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं. तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इन टू द रेडियस ऑफ दैट पैरामीटर. तो मोमेंटम क्या होता है आपका एम वी और ये आपका रेडियस. तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है एम वी आर. बोर पोस्टुलेट हमें क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट हमें वही ऑर्बिट्स काउंट करनी है जो कि आपका एच अपॉन टू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल में हो. बोर पोस्टुलेट हमें ये बताता है वी हैव टू काउंट ओनली दो सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स विच हैव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई. इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है एन आपका इंटीजर होना चाहिए. इंटीग्रल मल्टीपल को हम एन से डिनोट करेंगे और आपका मल्टीपल किसका होना चाहिए, एच अपॉन टू पाई के. तो ये चीज हमारे बोर ऑर्बिट है, हमें वही सर्कुलर ऑर्बिट्स को ध्यान में लेते हुए चलना है जो कि एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है. ये अगर हमारी आप अज्यूम कर सकते हैं, अगर ये हमारी सर्कुलर ऑर्बिटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लोकेशन है, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, इट इज अ मैटर वेव, आपका वो वेव के नेचर में है. तो वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से मूव कर रहा होगा इन एनी ऑर्बिटल. इन फेज भी हो सकता है, आउट ऑफ द फेज भी हो सकता है. अगर इन फेज है तो आपका इस तरीके से होगा, इन फेज विद द सर्कुलर ऑर्बिट्स. तो आपका क्या है, एन एच अपॉन टू पाई, एन एच अपॉन टू पाई इज इक्वल टू एन वी आर. तो जो फॉर्मूला डिराइव होकर आया है बोर पोस्टुलेट का, वो है आपका एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई. ये चीज है आपका फाइनल डेरिवेशन ऑफ बोर पोस्टुलेट, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन. अब देखते हैं इन्होंने डिराइव कैसे किया इसको. Derived
डी ब्रॉगली इक्वेशन आप कैसे इक्वेट कर सकते हो एच अपॉन टू पाई को. नाउ यू कैन सी दिस इज अ कॉन्स्टेंट, ये आपका क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इट इज फिक्स्ड. तो आपका मास एंड वेलोसिटी इज समवॉट रिलेटेड विद द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटर. मास एंड वेलोसिटी इज समवॉट रिलेटेड विद द रेडियस ऑफ ऑर्बिटर. आपका रेडियस जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी. रेडियस कम का मतलब क्या है, नियर टू द न्यूक्लियस. अगर रेडियस कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी सर्टेनली. और मास भी आपका इनवर्स रेशियो में है, मास भी आपका कॉन्स्टेंट है. मास क्या है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट. तो यहाँ से हम वेलोसिटी और रेडियस का रिलेशन निकाल सकते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन जितना पास होगा उतना उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमें डिफरेंस करना है बिटवीन द मैटर वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. मैटर वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिफरेंस क्या है, बिकॉज बोथ आर द वेव्स, मगर इसमें डिफरेंस मेजर डिफरेंसेस क्या है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पता ही है हम किसको बोलते हैं, दिस इज एक्चुअली द लाइट स्पेक्ट्रा. दिस इज एक्चुअली द लाइट स्पेक्ट्रा जो हमें स्पेक्ट्रम लाइट से मिलता है. इट इज एक्चुअली द मूविंग फोटॉन्स, दीज आर एक्चुअली द मूविंग फोटॉन्स. तो हमें स्पेक्ट्रा किस चीज का मिलता है, एक्स रेज हो सकते हैं आपका. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी, आपके इंफ्रारेड वेव्स हैं, अल्ट्रावायलेट वेव्स हैं, रेडियो वेव्स, गामा वेव्स. तो दीज आर एक्चुअली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रा. तो इसमें आपके सारे फोटॉन्स होते हैं. और इसका जो मेजर डिफरेंस है, अब मैटर वेव्स क्या है, एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन वेव्स. तो इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें आपके फोटॉन्स होंगे. तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या क्या, अब इसमें मेजर डिफरेंस क्या है आपका, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एमिटेड फ्रॉम सन. तो ये सन इसका क्या है, सोर्स है. द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज एक्चुअली द सन. तो सबसे मेजर इसका एक डिफरेंस ये है कि इसका जो एमिशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो एमिशन है इज फ्रॉम द सन, दैट इज द हेवनली बॉडी. तो आपका सन से इसमें एमिशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का. बट मैटर वेव्स अपने आप में एक सोर्स पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, उसको किसी सोर्स की जरूरत नहीं है टू बी एमिटेड. तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स. अगर आपको सोर्स लगाना भी है तो आप कैथोड सोर्स लगा सकते हो, बट दे डू नॉट रिक्वायर एनी सच सोर्स. इसका कोई एक फिक्स्ड सोर्स नहीं है. एनी एटम और एनी मॉलिक्यूल कैन एमिट इलेक्ट्रॉन. उसके बाद दूसरा है, ये कौन से मीडियम में चलते हैं. तो इसको मीडियम नहीं चाहिए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डजंट रिक्वायर एनी मीडियम. दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम ऑल्सो, इन एनी मीडियम ऑल्सो. तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. तो पहला हमारा हो गया कि ये वैक्यूम में चलते हैं. और मैटर वेव्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन वेव्स, इनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा. तो मीडियम इज रिक्वायर्ड, वैक्यूम और इसका है मीडियम. स्पीड की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एक्चुअली द लाइट वेव्स. तो इनका स्पीड कितना होगा, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. अगर हम मैटर वेव्स की वेलोसिटी की बात करें तो अनसर्टेन वेलोसिटी है. हर इलेक्ट्रॉन का अपना मोमेंटम है, अपना इसका एक मास है, एक मोमेंटम है. तो इसीलिए वेलोसिटी इज नॉट फिक्स्ड, वेलोसिटी इज नॉट फिक्स्ड. अभी हमने देखा था डी ब्रॉगली इक्वेशन से लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी. मास फिक्स्ड है हमारा, बट वेलोसिटी इज नॉट फिक्स्ड. वेलोसिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेडियस. अगर एटम जितना ज्यादा पास में होगा उतना उसकी ज्यादा वेलोसिटी होगी. वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसका लैम्डा वेवलेंथ उसका कम होगा. तो आपका स्पीड इसका फिक्स्ड है लाइट में, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. बट वेलोसिटी इज नॉट फिक्स्ड फॉर एनी इलेक्ट्रॉन. अगर हमने स्पीड की बात कर दी, सोर्स की बात हमने कर दी, फिर है ईएम फील्ड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब है देयर आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फैक्टर्स इन द वेव. इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. बट ये चीज यहाँ पे नहीं है इलेक्ट्रॉन वेव्स में. यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फैक्टर कोई भी अप्लाई नहीं होगा. और दूसरा है इसमें लैम्डा इसकी बहुत हाई होती है लाइट वेव्स की. इट हैज वेरी हाई वेवलेंथ. वेवलेंथ ज्यादा होगी तो इसीलिए इसका क्या है, प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस है. प्रैक्टिकली आप इसको देख सकते हो, प्रैक्टिकली इसका एग्जिस्टेंस है हाई वेव्स होने के कारण. बट यहाँ पे आप देख रहे हो लैम्डा इसका कम जा रहा है, तो इसका वेरी लो वेवलेंथ. इसका वेवलेंथ कैसा है, बहुत कम है.
तो इसीलिए प्रैक्टिकली नॉट एग्जिस्टिंग, प्रैक्टिकली नॉट एग्जिस्टिंग। तो एक सिंपल सा हमने डिफरेंस देख लिया कि मैटर वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिफरेंस क्या क्या है। मैग्नेटिक वेव्स आपका सिंपल लाइट वेव्स है, तो लाइट की सारी प्रॉपर्टीज लग जाएंगी उसमें, मगर जो एक जो वेव का जो फॉर्मूला है, जो मेन फॉर्मूला है, वो दोनों में ही अप्लाई होगा। हमें सारे पैरामीटर्स वही मिलेंगे, लैम्डा वही मिलेगा, बट देयर आर सम डिफरेंसेस कि इसका एक सोर्स है, इसकी एक स्पीड है, एंड स्पीड इज मेंटेन फॉर एवरी फोटोन। फोटोन की सारे की स्पीड मेंटेन रहेगी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फैक्टर्स हैं इसमें जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। वेवलेंथ है, वेरी हाई वेवलेंथ है इसमें, हाई वेवलेंथ की वजह से इसका प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस है। और जबकि इलेक्ट्रॉन्स की मास इसका बहुत कम है, 9 × 10⁻³¹ kg। पिछली बार हमने क्वेश्चन किए थे, ये वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। तो 9 × 10⁻³¹ kg इसका मास बहुत कम है, मास कम है इसलिए वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा है तो वेवलेंथ सर्टेनली इसकी बहुत वेरी लो वेवलेंथ आएगी इसकी, तो देयरफॉर इट इज प्रैक्टिकली नॉट एग्जिस्टिंग। ये आपका हमारा थर्ड लेक्चर हो गया हमारा। डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ को हमने वेरीफाई कर लिया, हमने डुअल नेचर को वेरीफाई